एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं जूली फिलिप्स आज आपको मारियो मोंटेसेरी के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो एक चिकित्सक के साथ साथ एक शिक्षक भी थी। मारियो मोंटेसेरी का जन्म 31 अगस्त 1870 में इटली में हुआ। उनके पिता एलेजेंड्रो मोंटेसेरी और माता रिनेल्डे। उनके पिता के काम की वजह से उनके परिवार को इटली छोड़ के फ्लोरेंस शहर जाना पड़ा सन 1873 में, और फिर सन 1875 में रोम। सन 1876 में जब वो 6 साल की थी तो उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा शुरू की। सन 1883 में जब मारियो मोंटेसेरी 13 वर्ष की थी तो उन्होंने टेक्निकल स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने इटालियन, अरिथमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, अकाउंटिंग, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस पढ़ी। और उसके बाद सन 1886 में वो ग्रेजुएट हुई, जिसके बाद वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट पढ़ने गई, जहां उन्होंने इटालियन, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ज्योमेट्री एंड ऑर्नेट, ड्राइंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और 2 फॉरेन लैंग्वेजेस में पढ़ाई की। 1890 में वो फिजिक्स मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हुई और उसके बाद उन्होंने मेडिसिन पढ़ने का फैसला किया। मारियो मोंटेसेरी ने सन 1890 में यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में नेचुरल साइंस कोर्स में डिग्री पाने के लिए एडमिशन लिया। उन्होंने बॉटनी, जूलॉजी, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी और जनरल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम में पास होकर सन 1892 में डिप्लोमा प्राप्त किया। फॉरेन लैंग्वेजेस और डिप्लोमा की पढ़ाई की वजह से उन्हें मेडिकल प्रोग्राम के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिला सन 1893 में, जहां उन्होंने पीडियाट्रिक्स और साइकेट्री की पढ़ाई की। उन्होंने बहुत मेहनत की, महिला होते हुए भी कभी हार नहीं मानी और आखिरकार सन 1896 में यूनिवर्सिटी ऑफ रोम से उन्हें डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त हुई और सन 1897 में उनकी थीसिस भी प्रकाशित हुई। होने के बाद सन 1896 में मारियो मोंटेसेरी यूनिवर्सिटी में साइकेट्रिक क्लिनिक में रिसर्च करने लगी और फिर सन 1909 में वो फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई करने लगी। बाद में सन 1904 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में शिक्षक बन गई। उसके बाद 6 जनवरी 1907 में उन्होंने चिल्ड्रंस होम की स्थापना रोम में की और वहाँ विभिन्न एक्टिविटीज और मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बच्चों को बिजी रखा। मारियो मोंटेसेरी को इस बात का एहसास हुआ कि एक्टिविटीज बच्चों को खुद सीखने का मौका देती है, जिसे ऑटो एजुकेशन भी कह सकते हैं। 1914 में उन्होंने लिखा, मैंने शिक्षा का कोई दूसरा तरीका नहीं खोजा, बल्कि मैंने बच्चों को जीने का तरीका दिया है। इस तरक्की के बाद उन्होंने अपने दूसरे स्कूल की स्थापना 7 अप्रैल 1907 में इटली में की। धीरे धीरे उनके पढ़ाने के तरीके से न्यू डेवलपमेंट होने लगे और यहीं से मोंटेसेरी स्कूल विकसित होने लगा। सन 1912 तक पेरिस और वेस्टर्न यूरोपियन सिटीज में मोंटेसेरी स्कूल खुल चुके थे और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, कोरिया, मेक्सिको, स्विट्जरलैंड, सीरिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और न्यूजीलैंड में मोंटेसेरी स्कूल्स खोलने की योजना बनाई जा रही थी। पहला नॉर्थ अमेरिकन मोंटेसेरी की स्थापना अक्टूबर 1911 में न्यूयॉर्क में हुई और प्रसिद्ध आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और उनकी पत्नी भी इसके समर्थक थे। मोंटेसेरी के पिता का देहांत नवंबर 1915 में हुआ और फिर वो इटली चली गई। उसके बाद 20 साल उन्होंने कई देशों में यात्राएं की अपने मोंटेसेरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए, जैसे स्पेन, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इटली और वियना। भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने टैगोर मोंटेसेरी की स्थापना सन 1929 में भारत देश में की। सन 1949 में मारियो मोंटेसेरी खुद भी भारत देश आई, जहां वो इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली। सन 1946 में वो नीदरलैंड्स वापस आ गई और सन 1949,
1950 और 51 में मोंटेसेरी को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। उन्होंने बहुत मेहनत की अपने जीवन में। मारियो मोंटेसेरी की मृत्यु सेरेब्रल हेमरेज की वजह से 6 मई 1952 में 81 साल की उम्र में नीदरलैंड में हुई। आज हम उन्हें इटालियन फिजिशियन, फिलोसफी की शिक्षक और सेल्फ एजुकेशन मेथड्स के इनोवेटर के रूप में जानते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।